नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विथ रंजीत में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के चौथे मैच एलएसजी और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा, तो इसका फुल एनालिसिस मैं लेके आया हूँ, स्टेट से लेके आया हूँ कि क्या रहने वाला है ड्रीम इलेवन का टीम, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर मैं फुल एनालिसिस के साथ आपको टीम प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए हम आपको बारी बारी से सब चीज़ बताते हैं कि कहाँ मैच है और टॉप परफॉर्मेंस कौन कर सकता है। तो यहाँ पे आईपीएल का चौथा मैच खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और एलएसजी के बारे में, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा यह मैच। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा पिच है और बाउंड्री भी काफ़ी छोटे हैं इनके, तो यहाँ पर रन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं और आउटफील्ड भी बहुत तेज़ है। यानी कुल मिला जुला के हम बात करें तो बैटिंग बैटिंग बैट्समैन को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। टोटल यहाँ पे 84 मैचेस खेले गए हैं, इसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 40 जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 44 जीती है। यानी जो बैटिंग सेकंड में करती है उसका पल्ला भारी रहता है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम की अपेक्षा। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम में सबसे अभी तक हाईएस्ट स्कोर गया है आरसीबी का 235 रन एक विकेट के नुकसान पे। एवरेज स्कोर की बात करें तो सभी मैच का लगभग 167 एवरेज रहता है, 167 के करीब, 70-70 के करीब रहता है। लोवेस्ट स्कोर सबसे ज़्यादा यहाँ पर केकेआर का रहा है, 67 रन पर 10 विकेट गिर गया था। बिलो स्कोर की बात करें तो 150 से नीचे 22 बार गया है, और 150 और 170 के बीच में 17 बार ऐसा हुआ है, और स्कोर 170 और 190 के बीच 30 बार ऐसा हुआ है, और 190 से ज़्यादा रन 15 बार हुए हैं बने हैं। रिसेंटली 5 मैचेस की बात करें रिकॉर्ड, तो पेस बॉलर ने 43 विकेट लिए हैं, स्पिन बॉलर ने 13 विकेट लिए हैं। यहाँ पर साफ तौर से समझ आता है कि स्पिन बॉलरों को उतना मदद नहीं मिलता है वानखेड़े स्टेडियम में, पेस बॉलरों को काफ़ी अच्छा मदद मिलता है और विकेट भी मिलते हैं पेस बॉलरों को। तो यहाँ पे हम पेस बॉलरों को रखेंगे अपने ड्रीम टीम में, क्योंकि यहाँ पे विकेट लेने का अनुपात काफ़ी ज़्यादा है स्पिन बॉलरों की अपेक्षा। बैटिंग एनालिसिस की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 जीती है और बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम 5 जीती। यानी हम आपको पहले ही बताएं जो बैटिंग सेकेंड करती है वो वहाँ पे मैच जीतती है, तो यहाँ पे बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम 5 मैच जीती है और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 मैच जीती है। प्लेइंग इलेवन की गुजरात की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो शुभमन गिल हैं जो ओपनिंग करने आ सकते हैं आएंगे, और मैथ्यू वेड या रहमतुल्ला गुरबाज में से जो खेलता है वो ओपनिंग करने आएगा शुभमन गिल के साथ। उसके बाद आएंगे अभिनव मनोहर, विजय शंकर, डेविड मिलर। इन दोनों में अगर दोनों खेलते हैं तो ये डेविड मिलर नहीं खेलेंगे, मैथ्यू वेड खेलते हैं तो रहमतुल्ला गुरबाज और डेविड मिलर खेलेंगे। और राहुल तेवटिया हैं जो आएंगे बैटिंग करने के लिए, राशिद खान हैं, वरुण अरुण हैं, लॉकी फर्गुसन है। ये है प्लेइंग इलेवन गुजरात का। तो रिसेंटली 5 T20 मैचेस की बात करें तो शुभमन गिल का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। शुभमन गिल की बात करें तो पहले मैच में 5 मैचों में 30 रन, 7 रन, 57 रन, 56 रन और 29 रन, यानी कुल मिला जुला के सभी मैचों में इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। रहमतुल्ला गुरबाज की बात करें तो 27 रन, 15 रन, 19 रन, 12 रन, 46 रन, यानी सभी मैचों में लगभग इनका भी औसत निकाले तो बहुत ही बढ़िया औसत है T20 के लिए। लास्ट मैच में इन्होंने 46 रन किया था। मैथ्यू वेड की बात करें तो 4 रन, 13 रन, 21 रन और 43 रन, यानी कुल मिला जुला के ये भी ठीक ठाक एक प्लेयर हैं ओपनिंग के लिए। ए मनोहर जो फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे, इनका 25 लास्ट 4 मैचों में 25 रन, 15 रन, 11 रन और 16 रन बना है। विजय शंकर की बात करें तो 11 रन, 60 रन, 23 रन, 35 रन, यानी मिडिल ऑर्डर के लिए ये ठीक ठाक बल्लेबाज हैं। डेविड मिलर की बात करें तो लास्ट 5-4 मैचों में 10 रन, 50 रन, 50 रन, 34 रन, यानी इनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है बैटिंग का,
या और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि सभी मैचों में इन्होंने रन किया है। राहुल तेवतिया की बात करें तो पहले मैच में 20 रन, दूसरे में 40 और तीसरे में 0 पे आउट हो गए थे और दो दो रन मारे थे। गुरकिरत सिंह मान की बात करें तो 17 रन, 9 रन, 12 रन, 21 रन। वहीं पे बॉलिंग की बात करें तो लकी फर्गसन 5 मैचों में, पहले मैच में 2 विकेट, फिर दूसरे मैच में 1 विकेट, तीसरे मैच में 2 विकेट, चौथे मैच में 3 विकेट और आखिरी पांचवें मैच में 2 विकेट, यानी कुल मिला जुला के यहाँ पे 10 विकेट निकाले हैं लॉकी फर्गसन ने लास्ट 5 मैचों में। मोहम्मद शमी की बात करें तो लास्ट 5 मैच में, पहले मैच में 3 विकेट लिए थे, दूसरे में 2, तीसरे में 1 विकेट और चौथे में 3 विकेट, यानी 4 मैच में मिला के इन्होंने 10 विकेट लिए हैं। राशिद खान की बात करें तो पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 2, तीसरे मैच में 1, चौथे मैच में 4 और पांचवें मैच में 2, यानी कुल मिला जाकर ये 9 विकेट लिए हैं। और राहुल तेवतिया की बात करें तो ये 5 मैच मिला के 5 विकेट लिए, लास्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया था और 1-1 विकेट लिए थे। लास्ट ईयर टॉप रिकॉर्ड देख लेते हैं हम गुजरात टाइटंस का। सुमन गिल ने 17 मैच में 418 रन के बनाए थे। KKR से पिछले सीजन उनकी टीम फाइनल गई थी और काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया था अपनी टीम के लिए सुमन गिल ने। हार्दिक पांड्या की बात करें तो उतना अच्छा सीजन गया नहीं था 2021 हार्दिक पांड्या के लिए, 12 मैच में केवल 127 रन बनाए थे हार्दिक पांड्या ने। लेकिन ये इस बार अलग ही हम आपको वो आपको दिखने वाले हैं एक कप्तान के रूप में। अब वहीं पे बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 14 मैच में 19 विकेट लिए हैं, राशिद खान ने 14 मैच में 18 विकेट लिए हैं और लॉकी फर्गसन ने लास्ट 8 मैचों में 13 विकेट लिए हैं। यानी LSG की ये 3 गेंदबाज मुख्य गेंदबाज हैं जो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रोबल 11 की बात करें और बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो KL राहुल के साथ ओपनिंग करने आएंगे क्विंटन डिकॉक या इवेन लुइस भी आ सकते हैं। या क्विंटन डिकॉक को ओपनिंग करने आते तो इवेन लुइस फर्स्ट डाउन आएंगे, मनीष पांडे भी 2 डाउन आएंगे, कुणाल पांड्या हैं, दीपक हुडा है, कृष्णा कप्पा गौतम, दुष्मंता चमीरा, आवेश खान, रवि बिश्नोई और अंकित राजपूत। बॉलिंग देख लें आप LSG की तो बॉलिंग देखें LSG की तो आवेश खान है जो लास्ट 5 मैचों में 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट लेकर कुल 5 मैचों में 5 विकेट लिए हैं। अंकित राजपूत की बात करें तो लास्ट 4 मैचों में 5 विकेट लिए हैं। रवि बिश्नोई 5 मैचों में 5 विकेट लिए हैं। कुणाल पांड्या 5 मैचों में 3 विकेट और दुष्मंता चमेरा 5 मैचों में 5 विकेट। लास्ट ईयर टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो LSG के प्लेयरों द्वारा, लेकिन LSG नई टीम बनी है तो KL राहुल पंजाब की तरफ से खेले थे, मनीष पांडे हैदराबाद और क्विंटन डिकॉक मुंबई से, कुणाल पांडे मुंबई से। तो हम बता दें KL राहुल का लास्ट परफॉर्मेंस था 13 मैच में 626 रन, मनीष पांडे 8 मैच में 292 रन, क्विंटन डिकॉक 11 मैच में 297 रन। कुणाल पांडे की बात करें तो 13 मैच में 143 रन लिए थे और 5 विकेट भी 43 रन बनाए थे और 5 विकेट भी लिए थे। बॉलिंग सेक्शन की बात करें LSG के आवेश खान 16 मैच में 21 विकेट लिए थे और रवि बिश्नोई ने मैच में 12 विकेट लिए थे। की प्लेयर्स की बात करो तो कौन कौन सा आप ड्रीम इलेवन में ले सकते हैं की प्लेयर्स को, और यहाँ पे सुमन गिल हो सकते हैं आपको ड्रीम पिक, रहमतुल्ला गुरबाज, मैथ्यू वेड, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, मोहम्मद शमी। LSG की बात करें तो KL राहुल, क्विंटन डिकॉक, मनीष पांडे, आवेश खान, रवि बिश्नोई। तो दोस्तों बात कर विकेट कीपर सेक्शन में तो यहाँ पे आपको 5 विकेट कीपर दिख जाएंगे लगभग, यहाँ पे 2 खेलते हुए नज़र भी आएंगे LSG से और 1 खेलता हुआ गुजरात टाइटंस से नज़र आ सकते हैं, वो मैथ्यू वेड या गुरबाज, दोनों में से कोई एक ही खेलेगा या दोनों भी खेल सकते हैं। तो डेविड मिलर नहीं खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में, तो यहाँ पे मैं KL राहुल के साथ जाऊँगा क्योंकि काफ़ी अच्छा KL राहुल बैटिंग करते हैं और पिछले सीजन भी रिकॉर्ड इनका भी बहुत अच्छा रहा है, 600 कुछ रन बनाए थे IPL 2021 में। क्विंटन डिकॉक भी काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी कर लेते हैं लेकिन मैं क्रेडिट इशू के कारण मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा। बैट्समैन की बात करें तो
मनीष पांडे हैं, काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी कर लेते हैं। इवेल लुइस हैं जो हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। केएल मेयर्स अवेलेबल नहीं है, करण शर्मा अवेलेबल नहीं है। गुजरात टाइटंस के ए मनोहर की बात करें तो ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आते हैं, तो इनको पिक करना भी ज़रूरी है हमारी टीम अपनी टीम में। हार्दिक पांड्या जो टीम के कप्तान है गुजरात टाइटंस के, जसन होल्डर अवेलेबल नहीं है, मार्कस स्टोइनिस अवेलेबल नहीं है, राहुल तेवटिया अवेलेबल हैं, विजय शंकर हैं, कुणाल पांड्या हैं, कृष्णप्पा गौतम अवेलेबल हैं, आर साई किशोर अवेलेबल हैं, ए बदूनी अवेलेबल हैं। तो इन ऑलराउंडरों की टीम में बात किया जाए तो जेसल होल्डर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जा सकता है ड्रीम इलेवन टीम बनाने में। तो यहाँ पे मैं एक और प्लेयर चूज करता हूँ, राहुल तेवटिया को और राशिद खान, यहाँ राशिद खान, मोहम्मद शमी और आवेश खान, जो काफ़ी अच्छा गेंदबाजी का एवरेज रहता है इन लोगों का, इकोनॉमिक बढ़िया रहता है और विकेट टेकर गेंदबाज हैं सभी। यहाँ पे लॉकी फर्गसन खेल सकते हैं ये मैच, तो चार बॉलर के साथ मैं जाऊँगा और एक और विकेट कीपर के साथ मैं जाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं पहले टीम देख लूँ कम्बिनेशन, तो यहाँ पे मैं डेविड मिलर या मैथ्यू वेट के साथ जाना चाहूँगा। ये हमारी टीम कैसे लगी ये आपको टीम कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैं कप्तान के राहुल को और वाइस कैप्टन मोहम्मद शमी को बनाता हूँ।